हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज भाग दो कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतिम पहरे की ओर पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस तरह लक्ष्मण जी बार बार परशुराम जी के वचनों को काटते हैं और उनसे बड़े व्यंग्यपूर्ण ढंग से बात करते हैं और कहते हैं केहू लखन मुनि सीलू तुम्हारा। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी हैं, वो परशुराम जी से कहते हैं या उनके क्रोधपूर्ण वचनों के उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे मुनि, मुनि परशुराम जी हैं कि केहू लखन मुनि सीलू तुम्हारा को नहीं जान बिरित संसारा। कि हे मुनि, अब सीलू अर्थात यहाँ पर क्या है, आपका शील स्वभाव अर्थात शांत स्वभाव। शील लखन मतलब लक्ष्मण जी की हम बात कर रहे हैं। केहू कौन नहीं जानता अर्थात कौन को नहीं, सॉरी कौन को नहीं अर्थात कौन नहीं जान जानता विदित संसार अर्थात पूरा संसार इससे परिचित है। कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव से पूरा संसार परिचित है अर्थात आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता है, इससे तो सारा संसार ही परिचित है। माता पिता ही उरिन भय नीके, माता और पिता उरिन अर्थात अपने माता पिता के ऋण, उरिन मतलब कि ऋण से मुक्त होना, ऋण हो गया और उरिन मतलब मुक्त हो जाना। कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो क्या हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋणु, अब गुरु अर्थात गुरु और ऋण मतलब उसका ऋण। कि अब आपको गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब आपको गुरु के ऋण से मुक्त होने की बड़ी चिंता है। कि आप माता और पिता के तो ऋण से मुक्त हो गए हैं, अब आपको गुरु के ऋण से मुक्त होने की बड़ी चिंता है। तो कहे लखन मुनि सीलू तुम्हारा को नहीं जान बिरित संसारा। कि हे मुनि, आपके सील स्वभाव को कौन नहीं जानता अर्थात सारा संसार इससे परिचित है। कि आप अपने माता पिता ही उरिन भय नीके, कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो क्या हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब आपको गुरु के ऋण से, गुरु के ऋण से आपको बड़ी चिंता है अर्थात अब आप उससे भी क्या है, मुक्त होना चाहते हैं। सो जनु हमारे ही माथे काड़ा, अब देखो आपने गुरु के ऋण से मुक्त होना है इसीलिए आप उसे हमारे माथे पर मंडना चाहते हो अर्थात क्या है, आप हमें मारकर अपने गुरु के ऋण को चुकाना चाहते हो। सो जनु हमरे ही माथे काडा, कि जो आप गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हो ना, तो ये आपने हमारे ही माथे पर मंड दिया है अर्थात क्या है, आप हमें मारकर अपने गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बड़ भाड़ा, कि गुरु के ऋण से आप मतलब नहीं हुए हैं, गुरु के ऋण का जो ब्याज है, दिन चली गई अर्थात जो गुरु के ऋण का जो ब्याज है वह क्या है, बहुत बढ़ गया है। क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं, दिन चली गई, बहुत दिन हो जाना और ब्याज बढ़ भाड़ा अर्थात जो गुरु के ऋण का जो ब्याज है वो और अधिक बढ़ गया है। अब आनिए बेभारिया बोली, अब इसमें जो व्यवहारिया हम बात करें कि जो हिसाब किताब करने वाला है ना, वो होता है व्यवहारिया बोली। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर आप चाहते हो भी, क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा हो गए हैं और ब्याज बढ़ गया है गुरु के ऋण का, तो आप चाहते हो तो आप किसे बुला लीजिए, कोई हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देऊ में थैली खोली और मैं थैली खोल कर ऋण की सारी राशि अदा कर दूंगा। अर्थात क्या है, अगर आप जो भी गुरु के ऋण से आप वो मुक्त होना चाहते हो ना, तो बहुत दिन हो गए हैं, ब्याज बढ़ता जा रहा है, तो आप ऐसे करें एक हिसाब किताब करने वाले को बुला लो और मैं तुरंत ही क्या करूंगा, उस थैली को
जो ऋण की सारी धनराशि आपको चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। अब ऐसे परशुराम जी ने उनके कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपने कुठार अर्थात फरसे को सुधार कर अपने हाथ में ले लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा। और जैसे ही उसने फरसा हाथ में लिया तो पूरी सभा में हाय हाय हो उठी, अर्थात पूरी सभा हाय हाय पुकारने लग गई। भृगबर परसु देख भो मोही। कि इस पर लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि भृगबर अर्थात परशुराम की परसु अर्थात फरसा कि आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। भृगबर परसु दिखाए बहु मोही। कि हे परशुराम जी आप मुझे परसु अर्थात फरसा दिखा रहे हैं। बिद्र बिचारी बचो निरपदोही। और मैं लेकिन कहते हैं कि मैं आपको ब्राह्मण बिद्र बिचारी कि मैं आपको हमेशा क्या समझ रहा हूँ, ब्राह्मण समझकर लड़ने से बचा रहा हूँ। कि बिद्र बिचारी क्यों निरपदोही। कि मैं आपको एक भी आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं लेकिन मैं आपको बार बार ब्राह्मण समझकर क्या कर रहा हूँ, लड़ने से बचा रहा हूँ। मिले ना कभू सुभट रन गाड़े। कि हे राजाओं के शत्रु। अब कौन है वो, परशुराम जी हैं। कहते हैं कि मिले ना कभू सुभट रन गाड़े। कि तुम्हें रन के अंदर, रन अर्थात युद्ध क्षेत्र में कभी भी तुम्हारा साहसी या पराक्रमी वीरों से कभी सामना नहीं हुआ। द्विज देवता घरी न बाड़े। और इसलिए तुम अपनी जो बातें हैं ना उसको बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हो कि द्विज देवता घरी न बाड़े। कहने का अभिप्राय क्या है कि जो ब्राह्मण और जो देवता होते हैं ना वो घर में ही शोभा देते हैं, फलते फूलते हैं। तो अनुचित कही सब लोग पुकारे। तो ये सब लोगों ने जो वहाँ पर उपस्थित जन थे उन सब लोगों ने कहा नहीं लक्ष्मण ने तो ये बहुत गलत बात कही है। अर्थात क्या है कि सबने कहा कि लक्ष्मण ने बड़ी ही अनुचित बात कही है। रघुपति सहने लखनऊ नवारे। और तब रघुपति ने क्या किया अर्थात राम जी ने अपने नैनों से ही अपनी आँखों के संकेत से ही लक्ष्मण को बोलने से मना किया। लखन उत्तर आहुति सरिस भृग कोपु कृसानु। कि देखिए कवि कहता है कि इस प्रकार लक्ष्मण की जो लखन उत्तर था, लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो आहुति के समान थे, आग में आहुति के समान थे। और जो भृग कोपु थे, भृग बर कौन है, परशुराम जी हैं, उनका जो क्रोध है वो आग के समान है। कि लखन के जो उत्तर हैं वो किसके समान हैं, आहुति के समान, आग को भड़काने वाले हैं। और जबकि परशुराम जी का जो क्रोध है वो आग के समान है। बढ़त देखी जलसम बचन बोले रघुकुल भानु। और जो कवि बताता है कि परशुराम जी की जो क्रोध अग्नि है उसको बढ़ता हुआ देखकर रघुकुल जी ने अपने शीतल वचन बोलने शुरू किए। कि लखन उत्तर जो लखन के जो उत्तर हैं वो आहुति के समान है, आग के अंदर आहुति के समान है, यानी कि आग में घी का काम करना, वो लक्ष्मण जी के उत्तर थे। और जो परशुराम जी का जो क्रोध था वो आग के समान था। और इस क्रोधा अग्नि को बढ़ते देखकर लक्ष्मण जो राम जी थे उन्होंने जल के समान शीतल वचन बोलने शुरू किए। तो स्टूडेंट्स ये आपकी राम लक्ष्मण परशुराम कविता संपूर्ण हुई। और अब हर रोज पहले जो पहरे से हम लोग पठित गद्यांश करेंगे और आपको हर रोज होमवर्क में हर एक पहरे के नीचे आपको 5 या 6 प्रश्न दिए जाएंगे जिसको आपने इस पहरे में से आपको छांटना है। धन्यवाद।